गाइस ये आ गया है पत्रिका गेट। तो यहाँ से बता रहे हैं खाटू श्याम जी का रास्ता अंडरपास से है। गाइस इस पुलिया के अंदर ही हमको लेना है लेफ्ट। ये देखिए कितना मार्केट है। पहुंच गए हम खाटू श्याम जी। गाइस हम जितना आगे तक जा सकते हैं जाएंगे। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और ये है अनीशा। सो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी की पावन नगरी में और हमारा काफी टाइम से मन था खाटू श्याम जी के दर्शन करने का। हम दर्शन कर नहीं पाए थे। सो लास्ट टाइम भी गए थे गोल्डन वाटर पार्क तक, लेकिन तब हम टू व्हीलर पे गए थे और अंधेरा हो गया था, तो इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए थे। सो इसलिए सोचा था कि भाई दर्शन करने ही हमें। तो आज हम निकल रहे हैं खाटू श्याम जी। सो ये जो वीडियो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो जयपुर से खाटू श्याम जी कैसे पहुंचा जा सकता है, दूसरा हम खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे आपको। सो खाटू श्याम जी में आपको किस तरीके का मार्केट दिखेगा और क्या क्या दुकानें वगैरह मिलेगी, क्या धर्मशालाएं वगैरह है, क्या व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। मतलब आप वहाँ पे क्या क्या खा सकते हैं, क्या घूम सकते हैं और प्लस दर्शन भी कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। हाँ सो अभी हम हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं बस, और यहाँ से निकलते निकलते अब हम B2 बाईपास कनेक्ट कर देंगे और फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे। सो बने रहिएगा गाइस ब्लॉग के अंदर। गाइस ये आ गया है पत्रिका गेट और इस पत्रिका के गेट के पीछे है जयपुर का सबसे बड़ा पार्क, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा सर्किल है जवाहर सर्किल। वो चलान कट रहे हैं भाई। सो इस B2 बाईपास पे ना आपको फन किंगडम भी मिल जाएगा, जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क है और बहुत ही शानदार है, जयपुर का एक नंबर। क्योंकि रिनोवेट होने के बाद तो काफी अच्छे तरीके से नए नए झूले भी बने हैं वहाँ पे और बहुत औसम। हाँ बिल्कुल, तो उसकी वीडियो भी बना रखी है हमने, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत शानदार है। तो गाइस ये आ गया है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से अब हम ले रहे हैं लेफ्ट। सो अब हम कनेक्ट करेंगे सिरसी रोड से थोड़ी देर बाद। अरे गाइस आ गए पूनो, यहाँ पे ये ट्रैम्पोलिन पार्क है, जयपुर का फर्स्ट ट्रैम्पोलिन पार्क है ये। तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो आप लोग देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ से गाइस हम चल रहे हैं सीधा, अब सीधे बिल्कुल अपन सिरसी रोड से चल जाएंगे आगे और सीधा कनेक्ट कर लेंगे हम, और वहां से सीधा हाईवे पकड़ेंगे आप और फिर अपन पहुंचते हैं अपने खाटू श्याम जी अपने डेस्टिनेशन दर्शन करने के लिए और आपको भी कराते हैं। सीधा जा रहे बिल्कुल सीधा और अब हाईवे आ जाएगा, वो उस हाईवे को ही पकड़ के चलना है अपन को, तो बस हमें हाईवे से सीधा। हाईवे कनेक्ट कर लिया है, ये दिल्ली बाईपास रोड है जो कि हमने पकड़ लिया है, तो अभी हमें इसी पे सीधा जाना है और ये ना सीधा ले जाएगी अपन को, अब सीधा खाटू श्याम जी अपन को और कोई दूसरी रोड नहीं पकड़नी, अब ये सीधा अपन को गाइड करती जाएगी खाटू श्याम जी पे। मतलब अब हमें सीधी इसी रोड पे जाना है और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। अच्छी है हाँ, लेकिन गर्मी बहुत है यार, मतलब अगर आप बोलोगे ना ह्यूमिडिटी जयपुर के अंदर इतनी ज्यादा हो रही है लास्ट 3 दिन से, हालत खराब हो जाएगी। तो टू व्हीलर पे आए थे पहली बार तो उस वक्त मौसम अच्छा था, लेकिन बट भैया आज तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता और टू व्हीलर पे नहीं, तो इसलिए तो मैं कार ले आया था, लेकिन चलते हैं। सोचा तो हमने सुबह जल्दी निकलने का था इसी चक्कर में, लेकिन हो गए लेट, तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। सो गाइस जो अपना खाटू श्याम जी मंदिर है ना, इसकी मान्यता इतनी है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि
मतलब देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इतनी मान्यता रखते हैं कि वो हर महीने एक बार आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सो ये मंदिर तो ऐसा है चमत्कारी कि यहाँ पे अगर कुछ मांगा है आपने तो ज़रूर पूरा होता है। तो एक बार हम भी चाहते हैं कि हम दर्शन करें यहाँ पे, क्योंकि हमने मैंने तो लाइफ में यहाँ से दर्शन ही किए थे, और लास्ट टाइम आए थे इस मकसद से कि दर्शन करेंगे, लेकिन हम लेट हो गए और टू व्हीलर पे थे तो दर्शन ही नहीं कर पाए। तो मेरे को थोड़ा घर जल्दी जाना था, जाने से पहले तो आज फाइनली हमने मन बनाया है कि दर्शन करके ही जाएंगे, दर्शन करेंगे। सो अभी बज रही है 12 और हम इस हाईवे पे कनेक्टेड है। सो एक बार जैसे ही कोई मोड़ आता है किस तरफ से जाना है वो हम सारा इस वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन हाईवे बहुत स्मूथ है, हाईवे एक नंबर, रोड बहुत ही अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे पुलिस वाले जगह जगह खड़े हुए हैं, स्पीड चेक कर रहे हैं, तो 70-80 के नीचे ही चलाइएगा, वो ज़्यादा बेटर है, वरना चलान कटेगा मोटा। और बहुत से लोग जो है खाटू श्याम पैदल भी जाते हैं, मतलब वहाँ से पूरा रास्ता पैदल कवर करते हैं, बहुत पैदल पदयात्रा इतनी चलती है, इतनी पदयात्रा चलती है, बहुत मान्यता है। तो हो सकेगा जितना ज़्यादा दर्शन हम करवा सकते हैं, जितने ज़्यादा हम डिटेल्स आपको दे सकते हैं देंगे, और होपफुली ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग के अंदर, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो गाइस अब हमको लेना है सीकर और चोमू की तरफ लेना है। तो अभी यहाँ से आएगा एक कट जिसमें अपन गाड़ी एग्जिट कर देंगे, जो भी आएगा तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आ गया, आई गया है, यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। ये देखिए सालासर बालाजी खाटू श्याम जी। तो ये आ गया खाटू श्याम, दिख जाएगा खाटू श्याम जी का। तो जय हो खाटू बाबा की, जय हो। तो अभी हमने ले लिया है लेफ्ट, तो अब हम रोड पे कनेक्ट हो चुके हैं और बस अब जा रहे हैं। यहाँ पे है ट्रैफिक को, तो ज़्यादा बड़ी ब्रॉड रोड नहीं है, ट्रैफिक है हल्का फुल्का, अभी तो दिन का टाइम है तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कम है। आ गए हैं यहाँ पे टोल, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर रिंगस टोल रोड है, और रिंगस का टोल है, मेरे ख्याल से 70 रुपये के आसपास का चार्ज होगा। देखते हैं यहाँ पे फास्टैग चलता है नहीं चलता, डेफिनेटली चलना तो चाहिए, लगा तो हुआ है यहाँ पे फास्ट का बोर्ड। भैया रिंगस वाला रिंगस, तो ये कर लिया हमने टोल, और अब यहाँ से सीधा रिंगस चोमू से पड़ जाएगा अब हमको खाटू श्याम जी। और मौसम अब धीरे धीरे अच्छा होने लगा, बादल हो गए, धूप गए वो भी गए, ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ। हमारा रह गया है वो 4 किलोमीटर रह गया है, बीकानेर 351 किलोमीटर। अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम, हार्डली 1 घंटा लगेगा, और इजी राइड है, और फिर पहुंचते हैं। चलिए चोमू जाने आपको यहाँ लेफ्ट साइड जाना है, और खाटू श्याम जी के लिए हमें सीधा जाना है यहाँ से। गाइस रोड तो है ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है या फिर रोड टूटी वूटी है, रोड एक नंबर है, रोड पे कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको चलाने का। बट यहाँ पे सबसे बड़ी एक दिक्कत रहेगी आपको कि ढंग का ढाबा किस पे खाया जाए। तो यहाँ पे जो मुझे मैंने पूछा अपने दोस्तों से कि कौन से ढाबे पे खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग आए दिन आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे है विनायक ढाबा जिसपे हम खाना खाएंगे। सो एक बार देखते हैं वहाँ पे टेस्ट करके कि खाना क्या स्वाद कैसा है, क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो गाइस हम जा रहे थे वहाँ से, लेकिन यहाँ पे पड़ता है विनायक होटल एंड रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही बेहतरीन खाना देता है यहाँ पे, तो इसलिए अब हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो एक बार इनकी क्वालिटी वगैरह देखते हैं, आज पहली बार करेंगे यहाँ पे खाना।
ये देख हैं, भाई ये इनका मेन्यू, और मेन्यू के अंदर है फुल प्लेट ही आएगी यहाँ पे आपको। और अभी हमने मंगाई है दाल तड़का और चार तवा चपाती, देखिए टेस्ट करके। तो भाई ये आ गई अपनी रोटियाँ और ये आ गई दाल, अभी बार टेस्ट करके देखते हैं। ये आ गए सैलेड। सो भाई हमने मंगाई एक दाल, चार रोटी बटर वाली, और हमारा बिल आया सिर्फ 202 रुपए का। और खाना बहुत ही यम, मुझे कैसा लगा खाना? एकदम यम, यम टेस्टी। विनायक होटल एंड रेस्टोरेंट, तो यहाँ आइएगा ज़रूर। तो खाना बहुत ही टेस्टी था और मुझे रीजनेबल भी लगा, तो 200 रुपए के अंदर दो जन निपट गए विद क्वालिटी फूड के हिसाब से। 100 रुपए पर बंदा कुछ बुरा नहीं है, और क्वांटिटी भी सही लगी, मतलब वेस्ट नहीं हुई बिल्कुल भी। गाइस खाटू श्याम जी रहिए 19, और अब हमको लेना है लेफ्ट की तरफ। ये आगे एक छोटा सा कट आएगा, तो बस उसी तरफ हमें लेना है लेफ्ट। फिंगर यहाँ से बता रहे हैं खाटू श्याम जी का रास्ता अंडरपास से है। सही जा रहे हैं खाटू श्याम जी, 18 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही। भाई ये है रास्ता, और अभी एक फ्लाईओवर भी आएगा जिसमें आपको एक टर्न लेना पड़ता है, वो भी आपको बता देंगे। और बस फिर हम पहुंच ही गए हैं, 2 बजने वाली है। सो एक्चुअली हम अभी धीरे इसलिए चला रहे हैं क्योंकि 1 बजे हो जाता है मंदिर क्लोज, और 4 बजे के आसपास खुलता है। सो इसलिए हम धीरे धीरे आराम से चलाते हुए आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही है रास्ते में। सो बने रहिए ब्लॉग में अंदर, और लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो ये देखिए गाइस, ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, जाने का रास्ता है ये। हमें यहाँ से सीधा पुल के ऊपर जाना है, नीचे से नहीं जाना है। गाइस इस पुलिया के अंदर ही हमको लेना है लेफ्ट, तो खाटू श्याम जी लेफ्ट। तो ये हमने ले लिया खाटू श्याम जी, और अब जो रोड आएगी वो बिल्कुल गांव की रोड होगी, और बिल्कुल साफ सुथरी एकदम, वो देखिएगा रास्ता आप। तो यार वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे अब जैसे ही आते हैं ना, यहाँ पे आपको खाटू श्याम जी से पहले वाला मार्केट मिल जाएगा, जिसमें मतलब आप झंडे ध्वज वगैरह लेना चाहते हैं, ध्वज वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ। ये देखिए जो लोग पैदल जाते हैं तो वो ध्वज वगैरह लेके जाते हैं, जिसमें ये देखिए कितना मार्केट है, और बहुत सारे लोग पैदल भी आप परचेज कर सकते हैं, रास्ते में दिखेंगे भी तो आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं खाटू श्याम जी तक। मेरे ख्याल से गाइस इस पे आपको कैश ही देना होता है, इस पे आपको फास्ट टैग का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और हमारी कैशियर है नीचे जाने से वो खरीद रही है। कुछ चामन सिटी सीकर से दाता रामगढ़ पड़ जाता है 40, अजमेर है उसका किलोमीटर्स मेंशन नहीं है, कुचामन सिटी 73 किलोमीटर, और सीकर भी आगे पड़ जाएगा। सो यहाँ पे लग जाती है लंबी लाइन, क्योंकि भैया फास्टैग की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ कैश फैसिलिटी है, तो उसमें लगता है टाइम थोड़ा। तो
गाइस अब हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी, और ये देखिए ये अब मार्केट धीरे धीरे शुरू हो गई है। यहाँ पे देखिए कितने सारे दोजो की दुकानें हैं, अब चाय वगैरह की स्टॉल्स आ गई हैं, होटल वगैरह दिखने लग गए हैं। देखिए पहुंच गए हम खाटू श्याम जी गाइस, श्री श्याम शरण। ये देखिए वाह, अभी लगाएंगे गाड़ी पार्किंग में। तो गाइस वो रहा दरबार, ये रहा गेट, और बस अब जाते हैं हम। अब यहाँ से पार्किंग वगैरह कहाँ है मुझे नहीं पता, सो एक बार देखते हैं पार्किंग वगैरह किधर पड़ती है, क्या हमें आगे जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। पार्किंग पीछे पार्किंग तो खूब सारी, ये शायद प्राइवेट पार्किंग है अलग अलग। ये प्राइवेट पार्किंग, यहाँ पे आप लिखा है यहाँ पार्क कर दो, दुकानों के आगे लोगों ने जगह बना रखी है। ये भी एक पार्किंग है, ये पार्किंग बना दी, नो पार्किंग बना दी। अच्छा वहाँ तो नो पार्किंग हो रही है पार्किंग। हम जितना आगे तक जा सकते हैं जाएंगे। अरे गाइस ये आ गया मार्केट, ये है खाटू श्याम जी का मार्केट। सो जिस जगह पार्किंग लगा थे उन्होंने बोला आधा किलोमीटर दूर है, तो हमने डिसाइड किया थोड़ा और आगे तक जाते हैं, क्या पता आगे पार्किंग मिल जाए, नहीं मिलती तो वापस आ जाएंगे, लेकिन बट ट्राई तो करेंगे। ट्राई करेंगे जितनी पास मंदिर के पार्किंग मिल जाए। ये भी एक पार्किंग है, अलग अलग और ढेर सारी पार्किंग दिख रही है, सबने अपनी 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 मूवी बनाई है। अभी इतनी गर्मी में यहाँ तक पैदल आना पड़ता। एक और पार्किंग, एक और पार्किंग, हेयर पार्किंग है भाई, ये मिल गई एक बार, ये पार्किंग, वो पार्किंग, अंदर आ तो रहे हैं, वापस निकलेंगे कई। वाह मार्केट देखिए, पार्किंग है क्या आगे? बढ़िया